Dear student, this is English class for class 5 and this is the first chapter where the mind is without fear. This poem is composed by Rabindranath Tagore in which he expresses his ideas about a nation and the people of the nation. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments, where the mind is without fear, जहाँ पर लोगों के दिल में दिमाग में जहाँ पर लोगों के दिमाग में कोई डर नहीं हो और जिनका सर झुका हुआ नहीं हो बल्कि ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, यानी कि उन्नत सर लेकर के जो लोग जहाँ के निवासी रहते हों चलते हों, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान पर कोई पाबंदी नहीं हो, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र रूप से लिया जा सके, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इन टू फ्रैगमेंट्स, जहाँ पर संसार में को टुकड़े टुकड़े और देशों के बाउंड्री में सीमाओं में टुकड़ा नहीं किया जाए, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर शब्द सच्चाई की गहराइयों से निकल कर आए, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवार्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर लोग लगातार अपना फैलाव करते हों संपूर्णता के लिए, अपने बाहों को संपूर्णता की ओर फैलाव करते हों फैलाते हों, यानी कि लोग संपूर्ण बनना चाहते हों, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इज नॉट लॉस्ट इट्स वे इन टू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहाँ पर जैसे कि नदी का जल रेगिस्तान में जाकर के गायब हो जाता है, सूख जाता है, वैसे ही जहाँ पर लोगों की सोच बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो और वो खराब आदतों में जाकर के निराशा में डूब जाए, अगर ऐसी स्थिति नहीं हो, यानी कि जहाँ पर लोगों की सोच बिल्कुल स्पष्ट हो और किसी निराशा के रेगिस्तान में नहीं डूब जाए, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, जहाँ पर सोच या दिमाग हमेशा आगे की ओर हो, इंटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और हमेशा विचार और क्रिया विस्तृत हो रही हो, यानी कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, इंटू दैट हैवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, उसी तरह की आज़ादी हो, स्वर्गीय आज़ादी हो, हे प्रभु मेरे देशवासियों को जागृत करो और ऐसा बनाओ कि जब हमारा देश आज़ाद बने तो इस ऐसी परिस्थितियां वहां रहें। Now some word meaning of chapter 1, fear, डर, knowledge, ज्ञान, fragment, टुकड़े, narrow, संकरा या संकीर्ण, depth, गहराई, stream, छोटी नदी, dreary, निराशाजनक, heaven, स्वर and freedom, आजादी। Now here unscramble the following, this is narrow word and this is stretches and heaven and this is forward. अब मेक सेंटेंस, उसके बाद है मेक सेंटेंसेस, तो फियर, फियर इज हार्मफुल, ट्रूथ, वी शुड स्पीक द ट्रूथ, अवेक, यू शुड अवेक फॉर द कंट्री, डेजर्ट, थार इज द डेजर्ट ऑफ इंडिया, हैबिट, एक्सरसाइज इज अ गुड हैबिट। नाउ यहाँ ये कंप्लीट द सेंटेंसेस है, इसके कुछ क्वेश्चन आगे दिए गए हैं आपको, सिर्फ आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है, द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ has not lost its way, our wishes and country away, ये सिर्फ आंसर्स है, क्वेश्चन आपके कंप्लीट सेंटेंस, आधा सेंटेंस आपका बुक में। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, आंसर रविंद्रनाथ टैगोर रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट इज द पोएट्स विश फॉर द वर्ल्ड, द पोएट्स विश फॉर द वर्ल्ड इज टू बी यूनाइट without any boundary box.